सुनील भाई शुरू करेंगे क्रिकेट पे बात। आज पहला मैच था नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, मौजे का मैच था, मिरेकल मिरेकल था उस मैच के अंदर। कैसा खेला नेदरलैंड्स? नेदरलैंड्स नो डाउट बहुत ही जबरदस्त खेला, लेकिन उन तमाम लोगों का जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं, जिन्होंने रात को तहज्जुद पढ़े, बेशक जिन्होंने फजर के बाद भी कॉन्स्टेंटली दुआ करते रहे, मुसल्ले पे बैठे रहे, उन तमाम लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद हमें देनी चाहिए। बिकॉज तमाम एज पाकिस्तानी इंक्लूडिंग मी इमार, हम सब यही चाहते थे कि पाकिस्तान आके भाई किसी ना किसी तरह, ऑफकोर्स आकिब भाई का बिल्कुल सब यही चाहते थे कि पाकिस्तान किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंचे। इसका जो कहना चाहिए कि जो टूर्नामेंट का एक टेस्ट पाकिस्तान के बाहर होने से खत्म हो जाना था सबके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, वो बरकरार रहा था कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है नेदरलैंड्स की। ऑफकोर्स हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अगर जीत गए तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द से जल्द नेदरलैंड्स की टीम को बुलाना चाहिए, पाकिस्तान का विजिट कराना, टूर कराना चाहिए। कहना चाहूंगा एक और हमें दोस्त मिल गया, एक और हमें दोस्त मिल गया पाक चीन दोस्ती के बाद, पाक नेदरलैंड्स दोस्ती जिंदाबाद। नेदरलैंड्स की खास बात यह है इमाद के नेदरलैंड्स हमें वीजा दे ना दे वर्ल्ड कप में चांस देके चला गया। इमाद क्या कहना चाहेंगे आज के मैच पे? आप हरे भरे हुए हैं भाई, हरे भरे जी पाकिस्तान के लिए। आई थिंक बहुत ही इंजॉय किया आज का दिन हम सब ने एज अ पाकिस्तानी। हम लोग यही चाहते थे कि पाकिस्तान यहाँ पे आ जाए, चाहे जैसे मर्जी है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया है और पाकिस्तान इन द हंट टू विन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह, क्योंकि सब बेसिस कवर है एक दो बेसिस के अलावा। लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं आज, काफ़ी ट्वीट भी की मैंने, दो तीन ट्वीट कर दी, यूजली मैं ट्वीट नहीं करता, मैं यही कह रहा था लेकिन मैं यही कह रहा था कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता आज ना आता तो मजा नहीं आता इसका एनालिसिस, हम रोज यहाँ बैठे ऐसी बोंगियां मार रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी है, मुबारक सबको। हमारे अलावा नेदरलैंड्स की टीम ने भी बड़ा एंजॉय किया,